एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट थॉमस ग्रे। इससे पहले हम इंग्लिश लिटरेचर में 89 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको रेफर कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं वहां पर दे दूंगी आपको, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांजिशनल पोइट्स के बारे में बात कर रहे थे और उन ट्रांजिशनल पोइट्स में से एक हैं थॉमस ग्रे। इनका लाइफ स्पेन देखो 1716 टू 1771। थॉमस ग्रे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से आपने इसको सुनना है। ये एक ट्रांजिशनल पोइट थे, मतलब ये दो एज के बीच में लिख रहे थे, एक तरफ नियो क्लासिकल एज एंड दूसरी तरफ रोमांटिक एज। अब देखो, नियो क्लासिकल एज एंड रोमांटिक एज के बीच में जो राइटर्स लिख रहे थे उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल पोइट कहेंगे, क्योंकि वो दो एजेस के बीच में लिख रहे थे। तो जितने भी ट्रांजिशनल पोइट्स थे ना, उन्होंने इन दोनों ही एजेस के एट्रीब्यूट्स को मिलाकर लिखा है, ठीक है, जिसमें से एक थे थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे काफ़ी सेल्फ क्रिटिकल टाइप के पोइट थे, मतलब इन्होंने अपने आप को काफ़ी अपने वर्क को काफ़ी क्रिटिकल तरीके से देखा, एनालाइज किया, तब जाकर ही अपने वर्क्स को प्रोड्यूस करते थे। इसीलिए इन्होंने बहुत कम वर्क को प्रोड्यूस किया है। इनके अगर टोटल पोम्स देखें तो टोटल पोम्स इन्होंने जो पब्लिश की दैट इज अराउंड 13 पोम्स, क्योंकि ये कहते थे मिस्टेकन फॉर द वर्क्स ऑफ अ फ्ली। इन्होंने खुद कही है ये लाइन अपने लिए। ये कहते थे कि ये ना एक तो फेलियर से डरते हैं और एक ये मिस्टेक करने से डरते हैं, राइट। तो इन्होंने ना किस पर ज्यादा ध्यान दिया? इन्होंने क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया था, ना कि क्वांटिटी पर। तो क्वांटिटी पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इन्होंने बहुत कम पोएम्स पब्लिश की हैं। लेकिन कमाल की बात है, ये काफी पॉपुलर थे, इनके वर्क को लोग पढ़ना पसंद करते थे, बट फिर भी इन्होंने बहुत कम पोएम्स को पब्लिश किया है। और इन सभी पोएम्स को अगर आप कलेक्ट करोगे तो कलेक्टेड वर्क की जो लाइंस है ना, लाइंस वो 1000 से भी कम है, लेस देन 1000 लाइंस इनके वर्क की। सोचो आप कितना इन्होंने कम लिखा है। तो ये एक सेल्फ क्रिटिकल टाइप के पोइट थे, काफी एनालाइज करते थे अपने वर्क को। इनफैक्ट जो इनके फ्रेंड है हॉरेस वॉलपोल, पूरा नाम देखो, हॉरेस वॉलपोल, रॉबर्ट वॉलपोल के सन थे ये। हॉरेस वॉलपोल ने खुद कहा ही नेवर रॉट एनीथिंग इजीली, दैट मींस कि थॉमस ग्रे ने कुछ भी इजीली तो लिखा ही नहीं, हर चीज को अच्छे से एनालाइज करके क्रिटिकल तरीके से देख कर ये वर्क को लिखते थे, फिर उसे पब्लिश करते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनके वर्क में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक हो। अब यहाँ पर देखो इनके वर्क है, पहला जो इनका वर्क था ना वो ये था, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटोन कॉलेज, 1747 में इन्होंने ये लिखा था। देखो क्या हुआ था, ये पोम क्यों लिखी इन्होंने, एक्चुअली इनके जो फादर थे ना वो काफ़ी एब्यूजिव थे, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अपने फादर को छोड़ दिया था। और इनकी मदर भी इनके फादर से काफ़ी परेशान थी, तो उन्होंने भी, मतलब इनकी मदर और ये दोनों ही छोड़कर आ गए थे उनको, ठीक है। अब इनकी मदर इनको कुछ पैसे देती है ताकि ये एटोन कॉलेज में जाएं और अपनी पढ़ाई हासिल करें, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं। तो अब हुआ क्या, ये यहाँ पर जब जाते हैं तो इनका काफ़ी अच्छा ये टाइम पीरियड होता है थॉमस ग्रे का, और काफ़ी इंटेलिजेंट किस्म के ये आदमी थे, ठीक है। और इनके यहाँ पर काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं, एक तो हॉरेस वॉलपोल और एक रिचार्ड वेस्ट, ध्यान रखना, हॉरेस वॉलपोल एंड रिचार्ड वेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अपने कॉलेज डेज को मेमोराइज करके इस पोएम को लिखते हैं। इस पोएम में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आई एम श्योर ये सभी ने सुनी होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। और पूरी ये लाइन है, पूरी कोट है, टिस फॉली टू बी वाइज, ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, टिस फॉली टू बी वाइज। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये कोट इन्होंने किस में दी, किस वर्क में दी, अपने इस वर्क में दी थी, पहला जो इनका वर्क था, या फिर ये आ जाएगा कि इस ये जो कोट है ये किसने लिखी है, ये फेमस कोट किसने लिखी है, थॉमस ग्रे ने, इग्नोरेंस इज ब्लिस टिस फॉली टू बी वाइज। इसका मतलब क्या है, ये कहते हैं कि अगर नॉलेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस ना, देन दैट मीन्स यू शुड
बी इग्नोरेंट, ठीक है, यू शुड बी इग्नोरेंट. दैट मीन्स कि अगर नॉलेज आपको अनहैप्पीनेस देती है तो इट्स बेटर टू बी इग्नोरेंट. नेक्स्ट है एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो इन्होंने पब्लिश की 1751 में. हालांकि मैंने वहां पर कंट्री चर्च यार्ड की इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं. काफी इंपॉर्टेंट ये इनकी पोम है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है. एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड, चलो उसकी बात तो हम फिर भी बाद में करेंगे, लेकिन इस पोम का मेन आइडिया क्या है. देखो थॉमस ग्रे ये कहते हैं इस पोम में कि मरना सभी को है एक दिन, ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबको एक दिन मरना है, ठीक है. नेक्स्ट अब इनकी और वर्क देखो, और पोम देखो. ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ओड ऑन द स्प्रिंग, सोनेट ऑन द डेथ ऑफ द वेस्ट. यहां पर रिचार्ड वेस्ट कर लेना, ये इन्होंने ना रिचार्ड वेस्ट को के ट्रिब्यूट में ये पोम लिखी थी उनके डेथ पर. द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द फैटल सिस्टर्स, द डिसेंट ऑफ ऑडिन. अच्छा हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो ये ना पोइट लॉरिएटशिप ऑफर हुआ था इनको 1757 में, ठीक है. थॉमस ग्रे को 1757 में पोइट लॉरिएटशिप ऑफर हुई थी, बट ही डिक्लाइंड. इन्होंने ना इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था, इस ऑफर को ठुकरा दिया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि थॉमस ग्रे ने पोइट लॉरिएटशिप के ऑफर को ठुकरा दिया था, इन्होंने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया. अब वहां पर कंट्री चर्चयार्ड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लिखी हैं, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं तो चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के. देखो इस पोम में इन्होंने 32 स्टैंजाज लिखे हैं, ठीक है, 32 स्टैंजाज, और स्टैंजाज का जो फॉर्म है दैट इज हेरोइक क्वाट्रेन. ये पोम इन्होंने लिखी थी 1742 में, कंप्लीट की 1750 में. लगभग 7 से 8 साल इन्होंने इस पोम पर काम किया है और फिर 1751 में इन्होंने इस पोम को पब्लिश कर दिया था, ठीक है. इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट, रिचार्ड वेस्ट इनके काफ़ी काफ़ी क्लोज और काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और रिचार्ड वेस्ट की डेथ के बाद इंस्पायर होकर उनकी डेथ से इन्होंने ये पोम लिखी है. स्टैंजाज रोट इन अ कंट्री चर्च यार्ड. देखो ये ना इस पोम का जो टाइटल है ना ओरिजिनल है, ये टाइटल ओरिजिनल है इस पोम का. तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड का ओरिजिनल टाइटल क्या है. स्टैंजाज रोट इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट है हॉरेस वॉलपोल. देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि कंट्री चर्च यार्ड का प्रेफिस किसने लिखा. कंट्री चर्च यार्ड का प्रेफिस लिखा इनके खास दोस्त हॉरेस वॉलपोल ने, राइट. अच्छा एक ये देखो, ये क्वेश्चन आ जाएगा विच कंट्री चर्च यार्ड दे आर टॉकिंग अबाउट. यहां पर लिखा है ना कि एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड, कौन से कंट्री चर्च यार्ड पर, तो उस चर्च यार्ड का नाम आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन आ सकता है दैट इज स्टेज पोग्स, स्टेज पोग्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, ठीक है. इसमें पोम में इन्होंने 128 लाइंस में इस पोम को खत्म किया है, एंड इयाम्बिक पेंटामीटर का इन्होंने इस पोम में यूज किया है. राइम स्कीम क्या है ये भी आता है क्वेश्चन, ए बी ए बी, ठीक है. ये क्वेश्चन ज्यादातर ना आपको DSSB में देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन. थॉमस हार्डी यूज्ड अ लाइन फ्रॉम द पोम ऑफ हिज नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. देखो थॉमस हार्डी नाम तो सुना ही है ना ये आपने, काफी फेमस नोवेलिस्ट हैं. इनका एक नोवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. इन्होंने ये जो टाइटल है अपने नोवेल का, हार्डी ने जो ये नोवेल का नाम है ना फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये टाइटल इन्होंने इनकी इस पोम से लिया है कंट्री चर्च यार्ड से. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी. अच्छा ये भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, वियरी वे कंट्री चर्च यार्ड से, ठीक है. वियरी वे, वियरी वे में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है. तो इसमें यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है. देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब है जब हम ना किसी नॉन लिविंग चीज में लिविंग के साथ उसका कंपेयर कर दें, ठीक है. जैसे कि देखो वियरी वे, तो वियरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है, एग्जॉस्टेड. तो अब थकावट या एग्जॉशन तो एक इंसान को होती है, निर्जीव चीजों को नहीं होती, लेकिन यहां पर वे के साथ में इन्होंने वियरी लगाया है, ठीक है.
तो मतलब एक निर्जीव चीज में, एक नॉन लिविंग चीज के साथ इन्होंने यू नो लिविंग चीज का वो डाल दिया, एक एडजेक्टिव डाल दिया कि थका हुआ तो इंसान होता है, बट हाउ कैन अ वे बी वियरी, राइट? तो इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहेंगे. द एपिथेट एट सॉरी हाँ द एपिटेफ सॉरी द एपिटेफ एट द एंड इज फोर पोइट हिमसेल्फ. देखो इस पोम में ना कंट्री चर्चयार्ड में लास्ट में एक एपिटेफ है, तो वो एपिटेफ किसके लिए है? खुद पोइट के लिए. और एक चीज ध्यान रखना, जो ये स्टेज पोग्स है ना, यहीं पर थॉमस ग्रे को एंड इनकी मदर को यहीं पर बरी किया था. ध्यान रखना, थॉमस ग्रे को एंड इनकी मदर को वहीं चर्च यार्ड में बरी किया गया था. ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत है, बट हाँ अगर कहीं पर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप और डिटेल में इसको पढ़ना, इस पोएम को. बस यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ज्यादातर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और मुझे पता है कि मैंने लिटरेचर की वीडियो काफी टाइम बाद ये डाली है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप चाहते हो तो इस चैनल पे मैं लिटरेचर की वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगी. थैंक यू सो मच. दिस साइड प्रियंका गौर. आई विश यू ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग. आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.